हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि नेक्स्ट पार्ट यानी कि प्रीवियस पेपर का नेक्स्ट पार्ट पे। और पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट आप लोग को अलग से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के चेक कर लीजिए। जो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर के ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने जितना सारा यानी कि एक्सेप्टेड क्वेश्चंस कराया हूँ उसी से सारा प्रश्न है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, वही है कि थोड़ा सा यानी कि जो पूछने का तरीका है वो चेंज है, लेकिन सेम क्वेश्चंस है। आप लोग अगर देखिएगा वीडियो तो पता चल जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। और डिस्क्रिप्शन में जो है एक न्यू चैनल का लिंक मिलेगा, प्लीज़ आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। आप लोग सभी को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में आप लोग को सब यानी कि सबसे पहले आप लोगों तक अपटूडेट पहुंचे। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत यानी कि सामान यानी कि स्विच सॉकेट आदि के टर्मिनल से बने होते हैं। तो दोस्तों ये जो बना होता है उसका टर्मिनल कहा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। और इस सब का यानी कि टर्मिनल जो दोस्तों यानी कि बना होता है, ये बना होता है यानी कि ब्रास से। किससे बना होता है? यानी कि ब्रास से बना होता है, जिसको यानी कि पीतल कहा जाता है। ए में कह रहा है तांबा, तांबा से नहीं बना होता, ये ब्रास से बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है ब्रास। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सी में कह रहा है लोहा, लोहा से भी नहीं बना होता है, नहीं सिल्वर से बना होता है। दिया एक पावर सब सर्किट में लोड से अधिकतम नहीं है। देखिए क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछ रहा है, क्वेश्चंस तो आप लोग जानते हैं कि पावर सर्किट में अधिकतम लोड कितना होता है, तो 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे घुमा दिया है, लोड से अधिक नहीं है। तो बस यही होता है एग्जाम में, कुछ नहीं होता। आप लोग जाने हुए आंसर भी वहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए दोस्तों किसका कह रहा है, यानी कि पावर का कह रहा है ना, पावर का। और एक जो होता है यानी कि लाइट, लाइट एंड फैन होता है, ठीक है, फैन होता है। देखिए पावर का भी बात करेंगे, लाइट एंड फैन का भी बात करेंगे। तो इसका अगर वाट की बात किया जाए तो 3000 वाट होता है, कितना 3000। और इसका अगर वाट किया जाए की बात किया जाए तो यानी कि 800 वाट होता है ओनली। तो देखिए 3000 वाट जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि इसमें जो यानी कि पॉइंट जो होता है यहाँ पे यानी कि 2 पॉइंट होता है, और जबकि 800 वाट में यानी कि 10 पॉइंट होता है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चंस पूछा जाता है बार बार, हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिलेगा, यानी कि जितना प्रीवियस पेपर कराऊंगा सारा में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा एक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन सा एक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है वो हमको बताना है, ठीक है। ए में कह रहा है दोस्तों पुनर्जीवी ब्रेकिंग, क्या कह रहा है, जिसको यानी कि रिजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। तो देखिए ये जो है दोस्तों ये तो है यानी कि ब्रेकिंग सिस्टम है, नहीं वाला पहचाना है। फ्रीक्वेंसी ब्रेकिंग इसको पेंडिंग में रखिए, आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डायनेमिक ब्रेकिंग होता है, गतिशील ब्रेकिंग और प्लंगिंग प्रकार का ब्रेकिंग भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है यानी कि फ्रीक्वेंसी ब्रेकिंग ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि नहीं वाला ही हमको पहचाना था। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि कार में, कार के कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है, यानी कि कार में जो बैटरी प्रयोग किया जाता है कार में, ठीक है, यानी कि कार गाड़ी में, समझिए, ठीक है, ध्यान रहेगा, कार गाड़ी में जो बैटरी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि बैटरी जो होता है वो किस प्रकार का बैटरी होता है। तो कार में जो दोस्तों यानी कि बैटरी होता है वो लेड एसिड सेल होता है, कौन सा, लेड एसिड बैटरी होता है, ठीक है, लेड एसिड बैटरी होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है। ए में कह रहा है लिथियम, लिथियम का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, और निकेल का भी प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो होता है यानी कि लेड एसिड बैटरी जो कि कार में प्रयोग करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए में दिया है लिथियम, इसका प्रयोग करते हैं यानी कि लैपटॉप वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि निकेल का प्रयोग, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यूपीएस का पूर्ण रूप है, यानी कि यूपीएस का जो पूर्ण रूप हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या होता है, ए में कह रहा है यूनाइटेड विद्युत आपूर्ति, क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि यूनाइटेड विद्युत आपूर्ति, ठीक है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए में, यूनाइटेड विद्युत आपूर्ति कह रहा है, ठीक है, तो ये तो होता नहीं है भाई। बी में कह रहा है यानी कि दिशाहीन विद्युत आपूर्ति, तो दिशाहीन विद्युत आपूर्ति भी नहीं होता है। डी में दिया है निबंध विद्युत आपूर्ति, तो निबंध का मतलब होता है यानी कि इंटरप्टेड, जो कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। इंटरप्टेड पावर सप्लाई, जैसे आपको ध्यान रहता है हिंदी में इंग्लिश में ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है यानी कि एक 4 ध्रुव अल्टरनेटर 1500 में चल रहा है, तो अल्टरनेटर की आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कितना पे कह रहा है दोस्तों, यानी कि 4। तो चलिए एन एस बराबर क्या होगा, एन एस के वैल्यू जो दिया है 1500, तो 1500 बराबर में क्या हो जाएगा 120
और गुना में एफ का मान निकालना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी और पोल जो दिया है कितना है, यानी कि 4 दिया है। अब चलिए कितना हो जाएगा, यानी कि 6120 और गुना एफ बराबर 1500 का कितना हो गया दोस्तों, यानी कि 60, और 60 पे यानी कि 2 जीरो तो कितना हो गया, यानी कि 6000। और एफ बराबर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 6000, ठीक है, 6000 और बट्टा में यानी कि 120, इसे काट दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, 12×5 यानी कि 60, कितना हो रहा है, यानी कि 50 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और 50 जो होगा हर्ज में होगा। ऑप्शन किस में दिया है, 50 हर्ज, ए में दिया है 50 हर्ज। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है दोस्तों, बी में दिया यानी कि 60 हर्ज, तो 60 हर्ज तो न्यूमेरिकल में निकल के आया नहीं है, नहीं 40 हर्ज आया है, नहीं 30 हर्ज आया है। राइट आंसर यानी कि 50 हर्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है BIS मानक के अनुसार लाइट एंड फैन। देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं, है ना, पावर वाला जो पूछा था उसमें भी यानी कि क्लियर करा चुके थे कि यानी कि लाइट एंड फैन का कितना होता है और पावर का कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर लाइट एंड फैन का पूछ रहा है, लाइट एंड यानी कि फैन का, और इसका जो होता है दोस्तों लगभग यानी कि 800 वाट होता है, 800 वाट से यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वहीं पॉइंट की अगर बात किया जाए तो 10 पॉइंट होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ए में कह रहा है यानी कि 800 वाट, राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, जबकि बी में दिया है यानी कि 1500 वाट, तो 1500 वाट होगा नहीं, नहीं 1200 वाट होगा, नहीं 1000 वाट होगा। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, जल विद्युतीय संयंत्र में टरबाइन तक पानी का बहाव निम्नलिखित में से किस माध्यम से होता है। तो दोस्तों यानी कि पानी की बहाव की अगर बात किया जाए, ठीक है, यानी कि बहाव की अगर बात किया जाए पानी का, किसका, यानी कि पानी का, तो देखिए पानी का जो बहाव होता है यानी कि पेन स्ट्रोक के माध्यम से, पेन स्ट्रोक्स के माध्यम से। ऑप्शन किस में दिया है, पेन स्ट्रोक, ए में कह रहा है सर्ज चैम्बर के माध्यम से नहीं होता है, नहीं टॉलरेंस के माध्यम से, टॉलरेंस के माध्यम से एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको यानी कि नदी में भेज दिया जाता है, ठीक है, नदी में यानी कि भेज दिया जाता है, ठीक है, सेवन संरचना के द्वारा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, पेन स्ट्रोक के द्वारा यानी कि पानी को पहुँचाया जाता है संयंत्र तक। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि किस प्रकार के अर्धचालक पदार्थ को यानी कि शुद्ध अर्धचालक के रूप में यानी कि जाना जाता है, यानी कि शुद्ध अर्धचालक के रूप में जो जाना जाएगा, किसको जाना जाता है वो हमको बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों शुद्ध अर्धचालक की बात किया जाए तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, कौन सा, इंट्रेंसिक, ठीक है, इंट्रेंसिक यानी कि सेमी कंडक्टर जो होता है उसको यानी कि शुद्ध अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। ए में कह रहा है यानी कि एन टाइप, तो एन टाइप को नहीं, एक्सट्रेंसिक को नहीं जाना जाता है, नहीं पी टाइप को, इसको जो यानी कि शुद्ध अर्धचालक के रूप में जो जाना जाता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, आज का अगला प्रश्न दिया है, प्रकाश मान ल्यूमिनस दक्षता की एसआई इकाई है, किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि प्रकाश मान का कह रहा है, किसका, प्रकाशमान का कार है। और देखिए दोस्तों प्रकाशमान की अगर बात किया जाए वो भी दक्षता का, तो देखिए प्रकाशमान की दक्षता का जो यानी कि इकाई होता है वो हमको बताना है, और इसका जो इकाई होता है दोस्तों ल्यूमेन प्रति वाट होता है, क्या होता है, ल्यूमेन, ल्यूमेन और प्रति में यानी कि वाट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में तो कारा कैंडेला, कैंडेला होता नहीं है, ज्योति तीव्रता का होता है, ठीक है, कैंडेला। बी में दिया ल्यूमेन प्रति वाट, राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यानी कि आर्मेचर नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण किस गति नियंत्रण विधि का विचार नहीं किया जा सकता, आर्मेचर नियंत्रण का कार है। और दोस्तों किसका नहीं करते हैं ये पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि संट आर्मेचर कंट्रोल विधि, इसका तो करते हैं नहीं, पहला पहचानना है। आर्मेचर ट्रेन भोलता विधि का भी करते हैं, लेकिन आर्मेचर लेमिनेशन चेंजिंग विधि का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ईजी ही है, आप लोग को भी समझना है, ओके। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, 5 या 15 एम्पियर 240 वोल्ट की विद्युत सहायता उपकरण की रेटिंग को BIS यानी कि 1293-1988 के अनुसार वर्ष डैश में 6 या 15 240 में परिवर्तित कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसको जो परिवर्तित किया गया था यानी 1991 में, कब किया गया था, 1991 में। ऑप्शन किस में दिया है 1991, ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी में डी दिया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डीप में, इसको इसके लिए यानी कि हिस्ट्री पढ़ना होगा, इसका जो दिया हुआ है रूल सब पढ़ना होगा, तब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो आप लोग आज से समझ गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आई ई नियम 54 के अनुसार अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के मामले में आपूर्ति की आरंभ बिंदु पर वोल्टेज डैश से अधिक भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये जो है, ठीक है ना,
और ये लगभग आपको यानी कि 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे? 10, कितना से? 10% से। ऑप्शन ए में कह रहा है 5%, नहीं भाई 10% होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, किस प्रकार के पहार में अग्रगामी शक्ति कारक उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है। तो दोस्तों यानी कि अग्रगामी की अगर बात किया जाए, कौन सा? अग्रगामी की। तो अग्रगामी जो मेन रूप से अगर देखा जाए तो यानी कि कैपेसिटिव, ठीक है, कैपेसिटिव में जो दोस्तों यानी कि अग्रगामी का प्रकृति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, BIR का पूर्ण रूप है, BIR का, ठीक है, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर होता है। क्या होता है? वेल्केनाइज, ठीक है, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है? विनाइल इंडियन रबर होता है, वेल्केनाइज्ड नहीं होता है। वेल्केनाइज्ड इंडिया इंडस्ट्रियल नहीं होता है, इंडियन रबर होता है, ठीक है, विनाइल इंडियन रबर होता है, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्शन से भी क्लियर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि वेनियल इंडस्ट्रियल रबर, तो इंडस्ट्रियल तो होगा नहीं, वेनियल नहीं होगा, विनाइल होता है, ठीक है ना, विनाइल होता है, ये ध्यान रखिएगा। वेल्केनाइज्ड इंडस्ट्रियल तो होगा नहीं भाई, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है यानी कि कह रहा है यानी कि स्वीकार्य सीमा के भीतर परिणाम प्रदान करने के लिए एक ऊर्जा मीटर को कन्फिगर करके त्रुटियों के उन्मूलन की प्रक्रिया को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यानी कि इस प्रक्रिया को जो जाना जाता है, मेनली रूप से आपको ऊर्जा मीटर का अशांकन, ठीक है, ऊर्जा मीटर का क्या? अशांकन। ऑप्शन किस में दिया है? ऊर्जा मीटर की जांच करना, भाई जांच नहीं, ऊर्जा मीटर का आवश्यकता भी नहीं, अशांकन के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, किस पदार्थ की तापमान में वृद्धि होने पर उसका प्रतिरोध यानी कि घट जाता है, ठीक है, यानी कि किसका तापमान में वृद्धि होता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, उसके बारे में हमको बताना है। देखिए अगर कार्बन की बात किया जाए, ठीक है ना, तो कार्बन की बात, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसका यानी कि तापमान जो होता है, ठीक है, घट जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परमाणु पदार्थ केंद्र प्रक्रिया न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन प्रोसेस के मामले के पहले चरण में डैश प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि इसमें जो प्रयोग किया जाता है, मेन रूप से प्रयोग करते हैं यानी कि विखंडन का, किसमें कर रहा है? परमाणु में, और परमाणु में दोस्तों यानी कि विखंडन का प्रयोग करते हैं, किसका? विखंडन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किसमें दिया है? विखंडन। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है विखंडन। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, उच्च वोल्टेज के ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, यानी कि उच्च वोल्टेज के लिए, और उच्च वोल्टेज के लिए दोस्तों जो प्रयोग करते हैं, मेन रूप से प्रयोग किया जाता है यानी कि स्टील टावर का, किसका? स्टील टावर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? स्टील टावर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्टील टावर। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी में दिया स्टील पोल। स्टील पोल का प्रयोग नहीं करते हैं उच्च वोल्टेज के लिए, नहीं लकड़ी का पोल का, नहीं RCC पोल का। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि रूट मीन स्क्वायर का उत्पाद का वोल्टेज और करंट का मान डैश के रूप में जाना जाता है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर का। देखिए दोस्तों यानी कि रूट मीन स्क्वायर जो है इसको यानी कि जो जाना जाता है यानी कि अपरेंट पावर, किसके रूप में? अपरेंट, ठीक है, अपरेंट पावर के रूप में जाना जाता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया है? अपरेंट पावर। ए में कह रहा है रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर के रूप में नहीं जाना जाता, नहीं वास्तविक पावर के रूप में इसको जाना जाता है, ओनली फॉर अपरेंट पावर, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, एवियोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, एवियोमीटर द्वारा क्या क्या मापते हैं वो हमको बताना है। ए में कह रहा है यानी कि एम्पियर वोल्ट और आवृत्ति, तो आवृत्ति नहीं मापता है, ठीक है। बी में कह रहा है यानी कि एम्पियर वोल्ट और प्रतिरोध, इसके द्वारा ये मापा जाता है, तीनों का मापा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यानी कि अल्टरनेटर में हाई स्पीड प्राइम मूवर में किस प्रकार का प्राइम मूवर यानी कि माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसमें जो प्राइम मूवर यानी कि माना जाता है बेसिकली अगर देखा जाए तो गैस टर्बाइन में, कौन सा यानी कि गैस टर्बाइन। ऑप्शन किस में दिया है गैस टर्बाइन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए हाई स्पीड वाला तो इसको जो प्रयोग करते हैं गैस टर्बाइन में, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। बी में दिया है वाटर टर्बाइन, वाटर टर्बाइन में यानी कि सेलिएंट पोल का प्रयोग करते हैं, इसका गति कम होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो दिया हुआ है यानी कि यदि बिजली के तारों और उपकरणों को विद्युत प्रवाह के उच्च वोल्टेज के कारण गर्म किया जाता है तो वे कर सकते हैं, तो वे जो कर सकते, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है, जानते हैं लेकिन कर सकते हैं, अगर क्या पूछता हो सकता है ऐसा पूछता तो आप लोग पटाख से आबाद यानी कि आंसर इसका दे सकते थे, लेकिन वही कि घुमा दिया है तो घुमा भी दिया है तो क्वेश्चन समझना है और अब यानी कि क्या जवाब देना। ए में कर यानी कि जल सकते हैं, ठीक है भाई, आग पकड़ सकते, हो सकता आग भी पकड़ ले, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी यानी कि सबसे अच्छा रहेगा, आग पकड़ सकता है अगर गर्म ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है टंगस्टन फिलामेंट गैस फील्ड लैंप की दक्षता कितनी होती है। देखिए टंगस्टन का कार है और टंगस्टन वाला का ओनली फॉर 12 ही ल्यूमेन प्रति वाट होता है, ल्यूमेन और प्रति में यानी कि वाट होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है 12 ल्यूमेन प्रति वाट। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त ताम पट्टिका की मोटाई है, किसका कार्य यानी कि भूसंपर्कन के लिए। और दोस्तों यानी कि भूसंपर्कन के लिए जो प्रयोग किया जाता है मेनली रूप से 3.15 यानी कि 1.5 mm का होता है, कितना 3.15 mm, जो कि ऑप्शन किस में दिया है 3.5 mm नहीं होगा, ये जो होता है 3.15 mm जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यानी कि शिफ्ट 2 वाले में, तो तब तक के लिए जय हिंद।